अब ये कौन सी भाषा दे, कृपया मंदिर प्रवेश गर्भ अधि छलाको वस्त्र जूता पेटी ब्याग आदि बहिर राखी दिन हवस। भाई साहब अभी हम हैं जोर पोखरी टूरिस्ट लॉज और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गोरखा लेन टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन दार्जिलिंग कांटेक्ट ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो पाइन का ट्री का जो जंगल है ना वो सच में बेमिसाल है और इतनी ऊंचाई पर यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाया गया है, यहाँ पर होम स्टे बनाया गया है, साथ में एक मेन मेड झील बनाया गया है और झील का पानी तो काफ़ी ठंडा है लेकिन यहाँ पर का जो व्यू है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है और झील में कुछ बतख हैं और कुछ कबूतर भी आसपास जो है उड़ रहे हैं। आसपास का व्यू जो है सच में बहुत ही आनंददायक है। तो अभी हम जोर पोखरी में, यहाँ पर लेक में कबूतर भी हैं और आप मिरिक से दार्जिलिंग जाएंगे ना तो वो रास्ते पर पड़ेगा और यहाँ जोर पोखरी होम स्टे भी है भाई। वाओ, हाँ ये देखिए यहाँ पर है होम स्टे, आप यहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों दार्जिलिंग सीरीज की प्लेलिस्ट आई बटन पर लगी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट पारा जो है जीरो के आसपास होगा और यहाँ पास में और कई होम स्टे बने हुए हैं, आप अगर रुकना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ के होम स्टे का कॉन्टेक्ट नंबर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। सीमाना में है ना, अभी तो हम बोल रहे थे कि ऊपर तो ये हमारा गाड़ी है, इसका पार्किंग देना पड़ेगा ना। और ये भाई हमको मिल चुका है जोर पोखरी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स टिकट। और दोस्तों यहाँ पर आग जल रही है, यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम बोलो जा बोलो चीनी कम बोलो कितना कुछ चाय दीजिए ना। नहीं जो 10-20 रुपए देख रहे हैं ये आग का है मान के चलिए, है कि नहीं, इसीलिए आग को अंदर जलाई गई है। कैसे बना रहे हैं मैगी 40? अरे आप हाँ कर लेते हैं ना, मेरे लिए भी ज्यादा हो जाएगा। तो भैया आप गाड़ी ऐसे चला रहे जैसे कि ना क्या कहें एकदम, कितना दिन हो गया गाड़ी आपका? अरे 3 महीना हुआ, इसीलिए तो आप इतना देखा ना, वाह टाटा ग्लांजा छा गए भाई, टॉप मॉडल लग रही है और पूरा वो मंदिर से आ रहे हैं, तब तक आप बना रखिएगा एक। हाँ थैंक यू। तो अभी हम लोग मंदिर चलेंगे, तो मंदिर से आएंगे तब तक हमारा मैगी रेडी हो जाएगा, फिर मैगी खा के हम निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर है महादेव का मंदिर और महादेव के मंदिर को हम देखेंगे। वैसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर है भाई ये, और यहाँ पर देखिए स्वर्गीय टीका भोटिया, स्वर्गीय सगुन भोटिया की तरफ से सपरिवार निर्मित चौतारो, ये देखिए यहाँ से है मंदिर। तो भाई साहब किधर जाएं कहाँ जाएं, पर कैसे जाना पड़ेगा, शिवधाम। तो यहाँ पर है मंदिर, थोड़ा डर डर लग रहा है भाई,
यहाँ पर से है जाना है शिवधाम, तो चलिए यहीं से हम चलते हैं। ये क्या चीज का फल है देखिए, तो इधर फूल लगे हुए देखिए, हमको वहां से घुमा दिए फालतू में, बताइए ऐसे करके। हाँ ये किस चीज का वृक्ष है भाई, हाँ जय महादेव। तो हम लोग हैं अभी चोर पोखरी में, और जोर पोखरी में बना है शिव मंदिर। और इस शिव मंदिर की खासियत ये है, ये बहुत ही ऊंचाई पर बना है, यहाँ हर समय लगभग चारों तरफ फॉग जमा रहता है, और यहाँ पर होम स्टे भी बने हुए हैं रहने के लिए, एक झील बना हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप कुछ रोमांचक करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, शौकीन है एडवेंचर के, तो ये जगह आइए। और यहाँ के जो पाइन के जंगल हैं वो सच में बेहतरीन है। तो यहाँ महादेव के मंदिर है, अब यहाँ हम आ गए, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, मैगी हमारा बन गया होगा, मैगी खाएंगे फिर निकलेंगे दार्जिलिंग। और दोस्तों जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो एक महीना हो गया होगा, जब भी आइए मिरिक से आप दार्जिलिंग निकलेंगे ना तो ये जगह जरूर रुकिए, वैसे आप प्राइवेट गाड़ी करके आएंगे ना तभी ये जगह रुकेंगे। और घंटी हम बजा देते हैं, जय बजरंगबली। प्लीज गर्न अधिक छलाको अस चूतादि बाहिर रखी दिन हवस। अब ये कौन सी भाषा है, ये इधर देख, अब ये कौन सी भाषा, कृपया मंदिर प्रवेश गर्भ अधि छलाको वस्त्र जूता पेटी ब्याग आदि बहिर राखी दिन हवस। चलिए आ गए हम अन्नपूर्ण रेस्टोरेंट, यहाँ थुप्पा मोमो चाउमीन चिया कफी पाइंच, जोर पोखरी सूखे पोखरी दार्जिलिंग। कौन सी भाषा है भैया, कौन सी भाषा में लिखा है, नेपाली, नेपाली में लिखा है ना।